हेलो दिस पंकज फैकल्टी मेंबर ऑफ लॉ कॉलेज गंगानगर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज इज रिट गिवन अंडर आर्टिकल थर्टी टू एंड टू टू सिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थ्री में जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं एज आई टोल्ड यू अल दैट दैट इज इन्फोर्सबल बाय द जुडिश्री सिस्टम ऑफ आ कंट्री इंडिया की जो जुडिशरी सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दे आर कंसिडर्ड द सुप्रीम प्रोटेक्टर ऑफ दैट राइट्स इन राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो कौन करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी राइट्स हमें दिए गए हैं पार्ट थ्री में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इन्फोर्सबल बाय कोर्ट है इट मीन्स अगर जितने जितने भी राइट्स आपने पढ़े जितने भी राइट आपने आर्टिकल 14 टू थर्टी uh, uh, तक डिस्कस किए अगर वो राइट आपको नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं या उन राइट्स की वायलेशन की जाती है देन यू हैव अ राइट टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226 टू सिक्स

कोई भी राइट्स वॉलेट होते हैं या उनकी इनफ्रेगमेंट की जाती है इन्फ्रेग्रेशन अगर उनकी की जाती है तो आप उनको बाय रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और अपने राइट्स को ले सकते हैं अगर आपके साथ इक्वालिटी नहीं होती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में थ्रू रिट जा सकते हैं अगर आपके साथ फ्रीडम नहीं होती है स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फिर आपको असेंबली करने का राइट आपको एसोसिएशन बनाने का राइट या फिर टू लिव एनी पार्ट द टेरिटरी ऑफ इंडिया या मूवमेंट करने का राइट आपको नहीं फ्रीडम नहीं मिलता है अगर आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं मिल रहे, हैं राइट ऑफ रिलीजन नहीं मिल रहे हैं या कल्चरल राइट right आपको नहीं मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकते हैं इन राइट्स को लेने के लिए यही जो है आपको जो है बताता है आर्टिकल थर्टी टू एंड टू टू सिक्स आप ये राइट ले सकते हैं थ्रू रिट्स थ्रू फाइल्स रिट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट थर्टी टू एंड टू टू सिक्स देखिए आर्टिकल ट्वेल्व जो है वहाँ पे ये बताया गया है कि ये जितने भी राइट हैं ये अगेंस्ट द स्टेट हैं जितने भी राइट आपको आर्टिकल फोटीन से लेके आर्टिकल थर्टी टू तक जो भी हैं ये अगेंस्ट द स्टेट है इट मीनस स्टेट अगर आपके इन राइट्स की वायलेशन करती है या स्टेट का कोई भी ऑर्गैन लाइक कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट या फिर कॉरपोरेशन कोई इंस्टीट्यूशन जो है इन राइट्स की वायलेशन करता है तो उस कंडीशन में आप अप्रोच कर सकते हैं

किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को कॉरपोरेशन को इंस्टीट्यूशन को जो कि फंडेड बाय द स्टेट है मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल और अथॉरिटीज़ होती हैं उनको एक पब्लिक ऑर्डर होता है एक रिटर्न ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या हाई कोर्ट के थ्रू कि आप इस काम को करिए या फिर इस काम को नहीं करिए क्योंकि ये अगेंस्ट द इंडियन uh, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल सॉरी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो हम देखेंगे कि ये रिट क्या होती है किन किन तरीकों से पब्लिक ऑर्डर जो दिया जाता है किन मैटर्स में जो ये पब्लिक ऑर्डर दिया जाता है इनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे देखिए स्टार्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द विजिलेंट गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन मैंने आपको पहले ही बताया हमारी जुडिशरी जो है यही इन फंडामेंटल राइट की सुप्रीम प्रोटेक्टर है विजिलेंट गार्ड भी है इट इज़ द सुप्रीम कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल तो आर्टिकल थर्टी टू के अंडर एक रिट जो है इशू किया जाता है एक रिटन ऑर्डर इशू किया जाता है किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है प्रोवाइड कराने के लिए सिमिलर ज्यूज इज अवेलेबल टू द हाई कोर्ट हाई कोर्ट को भी ये जुजन दी गई है कि वो आर्टिकल टू टू सिक्स में कोई भी रिटर्न ऑर्डर जो है दे सकता है बाय दॉपिस मस प्रोहिबिशन और ऑफरेंट तो ये फाइव टाइप ऑफ रिट होती हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल थर्टी के अंडर आ, इन्फोर्स करवाता है आ, और हाई uh, कोर्ट जो है टू टू सिक्स के अंडर इनको इन्फोर्स करवाती है एक्चुअली द जुजिक्श ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू रिट इज़ मोर वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट के पास पावर है रिट को इशू करने की कोई भी रिटर्न ऑर्डर देने की क्योंकि हाई कोर्ट के पास जो है अदर पर्पज अदर पर्स सुप्रीम कोर्ट के पास इन्हीं पांच ही मैटर्स से रिलेटेड जो है रिट इशू करने की पावर होती है लेकिन हाई कोर्ट के पास जो है अदर मैटर्स जो हो गए जो कि इन रिट्स में नहीं दिए गए हैं उनके अलावा किसी और मैटर में भी रिट इशू कोई पब्लिक ऑर्डर या कोई रिटर्न ऑर्डर जो है इशू कर सकता है किसी भी स्टेट के ऑर्गैन को किसी भी इंस्टीट्यूशन को पब्लिक अथॉरिटीज को पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशन को तो टाइप ऑफ रिट देख लेते हैं कितने टाइप के ये रिटर्न ऑर्डर होते हैं जो हाई कोर्ट जो है टू टू सिक्स के अंडर देता है और सुप्रीम कोर्ट जो है थर्टी टू के अंडर देता है दोनों के ऑर्डर जो है एक ही तरीके के होते हैं लेकिन आप कहाँ से ये ऑर्डर ले रहे हैं अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं तो थर्टी टू के अंडर जाएंगे अगर आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो टू टू सिक्स के अंडर जाएंगे तो ये फाइव टाइप ऑफ रिट होती हैं कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन सरशुरारी एन कवरेंटा तो कवरेंटा सॉरी तो फर्स्ट देखेंगे हम हैबिस कॉर्पस हैबिस कॉर्पिट रिट यूज होती है अगेंस्ट द बॉडी जब किसी भी पर्सन को विदाउट एनी लॉफुल रीजन अरेस्ट कर लिया जाता है उसको डिटेन कर लिया जाता है उसको अरेस्ट का रीजन नहीं बताया जाता है तो उस कंडीशन में आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर हिज रिलीज फॉर हर रिलीज इसको पढ़ेंगे आप इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ए प्रवलेंट रिट इट मीन इट मेन ऑब्जेक्ट इज टू लेट फ्री इलीगली डिटेन पर्सन जो गलत तरीके से किसी पर्सन को डिटेन किया गया है अरेस्ट किया गया है उसको फ्री करवाना लिटरली मीनिंग क्या होता है हैबिस का प्रोड्यूस द डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट की जो डिटेन पर्सन आपने किया है जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया विदाउट एनी कॉज विदाउट एनी रीजन उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करिए और वहां पे रीजन बताइए कि आपने इसको क्यों अरेस्ट किया है द द द सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मीनिंग मीनिंग ऑफ रिट ने इसका बताया है आस्क द कॉज ऑफ डिटेंशन कि इस रिट का क्या मतलब है कोर्ट क्या चाहती है कोर्ट चाहती है कि बताइए कि डिटेंशन का कारण क्या था बाय अनदर पर्सन इज डिटेन उसको किस किस कारण से अरेस्ट किया डिटेन किया हुआ है ऑर्डर कॉलिंग द पर्सन डिटेन टू बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट और वो ऑर्डर बताइए जिस थ्रू कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू जो है किस अथॉरिटी के थ्रू जो है इसको आ, अरेस्ट किया गया था विल ऑर्डर फॉर रिलीजिंग हिम और यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ें वहाँ पे पब्लिक ऑफिसर या पुलिस पुलिस uh, ऑफिस जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाता है ना ही ऑर्डर दिखा पाता है ना ही कॉज बता पाता है अरेस्ट करने का डिटेन करने का तो फिर यहाँ पे ऑर्डर दिए जाते हैं उसको रिलीज़ करने के यही जो काम है इस रिट का क्योंकि आर्टिकल ट्वेंटी के अंडर जो है आपको जो है विदाउट एनी रीज़न अरेस्ट ना करने का राइट right है uh, आपको अपने वकील के साथ मिलने का राइट right है आपको जो है चौबीस घंटों के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास पहुँचाने का राइट है अगर इन राइट्स के अलावा आपको अरेस्ट किया जाता है और ये कोई भी काम नहीं किया जाता है तब ये माना जाएगा कि आप डिटेन है उस कंडीशन में हैबिस कॉर्पस की रिट आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में 226 के अंडर लगा सकते हैं उसके बाद अगर ये चीज़ें जो है पब्लिक ऑफिसर नहीं बता पाता है तो फिर उसको जो है रिलीज़ किया जा सकता है सुनील बत्रा वसी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ए आई आर नाइनटीन एट्टी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था इट वॉज सेट दैट इन द स्पेशल सर्कमस्टांस द फ्रेंड रिलेटिव पिटिशन तो जिस पर्सन को डिटेन किया गया है वो तो है नहीं तो उसकी जगह पर रिट कौन लगा सकता है उसका कोई भी फ्रेंड उसका रिलेटिव उसके वेल विशेज जो हैं जो उसकी चिंता करते हैं जो बाहर हैं उसको छुड़वाने के लिए रिट लगा सकते हैं का कानू सानियाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ए आई आर नाइनटीन फोर सुप्रीम कोर्ट का केस इट वॉज स्पेसिफाइड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोड्यूस द डिटेन पर्सन बिफोर द कोर्ट फॉर द रिट ऑफ हैबिस कॉपेस ये ज़रूरी नहीं है कि डिटेन पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए उसके बगैर भी हैबिस रिट कार्पेस के रिट को जो है जो ऑर्डर किया जा सकता है अब आपके पास सेकेंड रिट है इस रिट के थ्रू क्या क्या ऑर्डर दिए जाते हैं उनको देखेंगे सेकेंड रिट का नाम है मैंडमस मैंडामस होता है वी ऑर्डर यहाँ पे कोई भी आ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है किसको ऑर्डर कर रही है द रिट इज इशूड वैन देर इज़ ए फेलियर इन द परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी बाय द पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट कारपोरेशन हर एक पब्लिक अथॉरिटी की अपनी ड्यूटीज़ होती हैं कॉलेज की अपनी ड्यूटी है टीच करना एडमिनिस्ट्रेशन देखना यूनिवर्सिटी की अपनी ड्यूटीज़ हैं क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट फंडेड है तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही माने जाएंगे तो पब्लिक अथॉरिटी जैसे पानी का विभाग हो गया इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हो गया कॉरपोरेशन हो गए इन इन सभी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ ड्यूटीज़ वो इन को करते हैं तभी उनको सैलरी मिलती है फीस जो है है वेजेस मिलती अगर वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं मान लीजिए मुंसिपल कॉरपोरेशन है, है क्या है सैनिटरी पोजिशन uh, को ठीक करना किसी भी एरिया की जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है सड़कों पर गंद पड़ा हुआ है कोई नहीं देख रहा तो ये ड्यूटी किसकी है ये म्यूनसिपल कारपोरेशन की अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उनके अगेंस्ट एक रिट इशू करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर ऑर्डर करेगा करेगा कि दैट इज लीगल ड्यूटी एंड यू हैव टू परफॉर्म तब उनको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी इट मींस जब भी कोई पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता है तो उनके अगेंस्ट जो है ये रिट इशू की जा सकती है द रिट इज इशूड वैन देयर इज अ फेलियर ऑफ इन द परफॉर्मेंस ऑफ द लीगल ड्यूटी बाय द पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन पर्सन इन सच सिचुएशन द कोर्ट ऑर्डर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ लीगल ड्यूटी इन सभी सिचुएशन में फिर कोर्ट ऑर्डर करती है कि दैट इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू परफॉर्म इट ए टी मार्कोस इन इज बुक जुडिशल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया हैज सेट बाय the क्लियरिंग दर द मीनिंग ऑफ इट दैट इट इज़ इ शूड टू ऑर्डर परफॉर्मेंस ऑफ रिट इसलिए दी जाती है ये रिटर्न ऑर्डर इसलिए दिया जाता है ताकि वो पब्लिक अथॉरिटी अपनी जो लीगल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करे मनोज शोभराज जैनवर्सिटी स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिक्वायरमेंट ऑफ मैडामस रिट आर डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन इस कंडीशन में मैडामस रिट जो है लगाई जा सकती है ए, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी कोई लीगल ड्यूटी होनी चाहिए तो ली, जितने भी पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो ड्यूटी होती है वो हमेशा लीगल ड्यूटी मानी जाती है सच लीगल राइट शुड भी इन्फोर्सबाई कोर्ट और वो जो लीगल राइट right जो हैं वो इन्फोर्सबल बाई कोर्ट हैं जो जितने भी राइट right आपको आर्टिकल फोटीन टू आर्टिकल थर्टी मिले हैं वो आपके क्या हैं सारे लीगल राइट हैं इन्फोर्सबल कोर्ट है द इन्फोर्समेंट ऑफ सच राइट इम्पोजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस और ये इनकी जो इन्फोर्समेंट है ये एक ड्यूटी और एक राइट right इम्पोज करता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी कॉरपोरेशन पर भी उनको पूरा करें सच ड्यूटीज़ पब्लिक नेचर हो ये पब्लिक नेचर की ड्यूटी होनी चाहिए इट मीन्स आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर नहीं कर सकती है क्योंकि वो उनकी पब्लिक ड्यूटी नहीं होती है तो मैन ऑफ अंड कहाँ पर इशू नहीं हो सकती है कंपेयर द स्टेट गवर्नमेंट टू यूज इट्स पावर स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर यूज करने के लिए अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन किसी प्राइवेट पर्सन को प्राइवेट कॉलेज को या प्राइवेट कॉरपोरेशन को या प्राइवेट फैक्ट्री को कंपनी को आप कोई भी ऑर्डर या कोई भी रिटर्न ऑर्डर या रिट नहीं दे सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी दो पार्टीज के बीच में सेटल्ड ड्यूटीज़ होती हैं बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट उनको इन्फोर्स कोर्ट नहीं करवा सकती है आगे आपके पास थर्ड रिट जो है वो है प्रबिहीशन प्रोहेबिशन इट इज़ इश्यूड बाय द देखिए प्रोहिबिशन और सरशराइट जो रिट्स आप पढ़ेंगे दोनों ही ऐसी रिट्स हैं जहाँ पर हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कुछ ऑर्डर कर रही है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को कुछ ऑर्डर कर रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने से निची कोर्ट्स को कुछ ऑर्डर्स कर रहे हैं और वो ऑर्डर उनको फॉलो फॉलो करने पड़ेंगे तो सबसे पहले प्रोहेबिशन को देखते हैं प्रोहेबिशन इट इज़ इश्यूड बाय द कोर्ट टू इट्स सब ऑर्डिनेट कोर्ट तो प्रोहेबिशन रिट क्या होती है जहाँ पे एक आ, आ, हायर रैंक की कोर्ट जो है अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ कोर्ट को कुछ ऑर्डर देती है वेन सबॉर्डिनेट कोर्ट एक्ट्स बियॉन्ड बियोडक्शन छोटी कोर्ट जो अधीनस्थ कोर्ट है वो अपनी जो पावर्स हैं उनका जो है यूज़ कर रहे हैं बियॉन्ड अपनी यूज पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं या उनके बाहर जाके उनका यूज़ कर रहे हैं यूजर डिजिक्शन विद इन इट नॉट वेस्ट ऐसी पावर का यूज़ कर रहे हैं जो उनमें नहीं है एक्ट कॉन्ट्रेट टू रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस और अगेंस्ट द प्रिसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है काम करें दोनों पार्टी को बिना समझे सुने ही डिसीजन देना नोटिस नहीं करना समझ नहीं देना या फिर उनको जो है दोनों पार्टीज को जो है जो उनकी हयरिंग ना करना उनको बराबर से ट्रीट नहीं करना तो ये पब्लिक ये जो होती है ऐसी हेरिंग जो होती है उसको नेचुरल जस्टिस उसमें नहीं होता है कहीं कही ना कहीं तो प्रोहिबिशन एक ऐसी रिक्ट है जहाँ पे हा, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देती है कि जो आप अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास नहीं है देखिए इंडिया में हर एक कोर्ट को अपनी अपनी पावर्स दी गई हैं उनको उन्हीं पावर्स के अंडर काम करना होता है जैसे सेशन कोर्ट के जज के पास पावर है कि वो डेथ पेनल्टी तो दे सकता है लेकिन हाई कोर्ट की रिकोमेंडेशन और वहाँ पे लगेगी तो वहाँ से जो है विदाउट हाई कोर्ट की परमिशन के बिना दे दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं वो अपनी पावर का एक्सेसिव यूज़ कर रहा है तो वहाँ पर हायर जो कर सकती है, तो जब भी वो अपनी पावर पावर का गलत यूज़, ऐसी पावर जो उनको नहीं है या फिर अपनी पावर पावर के अलावा कोई और यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है हाँ है। की जाती ईस्ट इंडिया कमर्शियल मैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 96, सुप्रीम ने क्या बोला? अंडर टू सिचुएशन तो प्रोहिबिशन रेट जो है दो कंडीशन में जो है इशू की जाती है वे द वर्क इज डन बियॉन्ड बियड दूजशन जहाँ पे अपने क्षेत्राधिक के अधिकार के बाहर जाके काम किया गया है या उस क्षेत्राधिकार उस पावर का यूज़ किया गया है जो उसको है ही नहीं थी अब है सरशुरारी सेम है कोई फर्क नहीं है सर शुरारी इज़ सिमिलर टू द प्रोहिबिशन रेट बट दिस मे इशूड द फॉलोइंग थ्री सिचुएशन ये किन तीन सिचुएशन में दी जाती है ये भी ऑलमोस्ट सेम है एक तो जब जोजक्शन का यूज़ किया जाता है Uh, beyond his jurisdiction. प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाता वेर एनी डिफेक्ट इन अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड या ऑर्डर में कोई डिफेक्ट यहाँ पे आ जाता है तो प्रोहिबिशन और जो है सर में फ़र्क क्या हुआ दोनों ही हायर कोर्ट के सबर्ड कोर्ट को कुछ डायरेक्शंस होती हैं जब वो अपनी ज्यूजेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं या अपनी ज्यूजेक्शन के बाहर जाकर उनका यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करते या रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ हो जाती है तो स्टेट ऑफ यूपी वसिमद मोहम्मद नूर के केसेस में ए आई सुप्रीम कोर्ट में बोला गया ट दशर इज मेन इशूड टू पर रिफॉर्म द मिस्टेक रिलेटेड टू द जुज ऑफ दर्ट और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज इन अदर वर्ड इट कैन बी सेट द रिट इज इशूड ओनली वन कोर्ट इज ट्रिब्यूनल एक्ट इन अब ऑफ जुजेक्शन और बियोडक्शन फेल टू यूज देश तो यहां पर भी यही बताया गया कि ये जो रिट ऑफ सर उसी टाइम में छोटी कोर्ट को सब्रेड कोर्ट को इशू की जाती है जब उन्होंने अपनी पावर का एक्सेसिव यूज़ किया है या उन जिजन का यूज़ किया है जो उसमें थी नहीं या फिर अपने जिजन को यूज करने में फेल हो गए हैं देखिए हरी विष्णु का आ, कामत अहमद इशक के केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट वॉस हेल्ड द रिट कैन बी इशूड टू तो रिमूव द मिस्टेक विद अपेयर इट्स ऑन द रिकॉर्ड अगर कोई रिकॉर्ड में मिस्टेक लगती है तो वहाँ पे इशू की जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों रिट्स तो ऑलमोस्ट सेम है इनमें फ़र्क क्या है तो फर्क यहाँ पे बताया हुआ अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या फ़र्क है बड़ा माइनस है डिफरेंस है और ये हमेशा आपको याद रखना है कि प्रोहिबिशन और सरशरारी शरारी जहाँ पर दोनों ही रिट जो हैं सबनोट कोड को आ, की जाती हैं जब वो अपनी डिजिक्शन का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है मैंने आपको बताया जब आप जो हैं फेयर हेयरिंग नहीं करते हैं या फिर बायस हेयरिंग करते हैं या फिर दोनों पार्टीज़ को बराबर

किसी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर देती है और ऐसी ड्यूजिक्शन का यूज़ कर रही जो उसमें नहीं है तो प्रोहिबिशन जो है केस शुरू होने पर की जाती है लेकिन जो सॉरी जो सरसुरारी होती है वो कोई भी कोर्ट ने उस जूज का यूज़ कर दिया होता है गलत यूज़ कर लिया होता है या एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ ड्यूजन और पावर कर लिया होता है उसके बाद जो डिसीज़न दिया होता है उसको इनवैलिड करने का काम करते हैं तो प्रोहिबिशन जो होती है जब केस स्टार्ट होता है तब दी जा करी जाती है और सरसुरारी जो होती है जब केस का डिसीजन आ जाता है तब इशू की जाती है मेन ऑब्जेक्ट द प्रोबिशंस टू प्रिवेंट द जुडिशियल एरर तो प्रोहिबिशन का जो मेन काम क्या है वो जुडिशियल एरर को जो है प्रोहिबिट करना है क्योंकि वो शुरू में ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है लेकिन सर का काम क्या है जो गलत काम हो जो जुडिशल एरर हुआ है जो जुडिशल गलत डिसीजन हो गया है उसको जो है वैलिड करना है अपनी नई जजमेंट के थ्रू प्रोहेबिशन कैन भी इशूड इवन वेन द अल्टरनेट रेमडी इज़ अवेलेबल प्रोहेबिशन तब भी इशूड की जा सकती है जब अल्टरनेट रेमडी अवेलेबल हो लेकिन सर शुरारी इज़ नॉट जनरली इशूड वैन द अल्टर रेमडी इज अवेलेबल अगर अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है तो सर शुरारी रिट जो है वहाँ पर इशू नहीं की जाती है ये याद रखना आप लोग तो एक जो बेसिक डिफ्रेंस यहाँ पर यही है कि प्रोहेबिशन जो है कब इशू की जाती है जब कोर्ट जो है ऐसी हेयरिंग स्टार्ट कर देता है जो कि उसकी जुजक्शन में नहीं आती है लेकिन सर तब किसी आ, आ, उस टाइम पे इशू की जाती है जब किसी कोर्ट का जो है कोई डिसीजन ऑफ द कोर्ट जो है वो आ चुका है तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए इशू की जाती है ये आपको तो सर का प्रोहिबिशन का काम है जुडिशियल एरर को ख़त्म करना लेकिन सर का काम है जुडिशल रिफॉर्म करना अब आपके पास है कोवा अरटो किसी अधिकार से को वारंट हो जाता है वट इज़ योर अथॉरिटी किस अधिकार से तो जहाँ पे भी कई बार जहाँ एम्प्लॉयमेंट होती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है और वहाँ पे किसी पर्सन को उस पोस्ट पे बैठा दिया जाता है जो उसके लाइक नहीं होता या वो डिज़र्व नहीं करता है उसकी अपॉइंटमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन होता है तो कोवरेंट रिट जो इशू किया था इट लिटली मीन्स वट यूअर अथॉरिटी दिस रिट इज़ बे इशूड इन दिस सच मैटर वेयर एनी पर्सन इज होल्डिंग पब्लिक पोस्ट इलीगली सच पर्सन इज आस्क दैट अंडर विच अथॉरिटी अगर कोई पर्सन जो है किसी अथॉरिटी को किसी पोस्ट को इलीगली होल्ड कर रहा है तो उसको ये पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस को होल्ड करें एक्चुअली दिस रिट प्रिवेंट अ पर्सन टू होल्ड ऑफिस विच इज़ नॉट इलीगली इन एक्चुअली ये रिट जो है ऐसे पर्सन को उस पोस्ट को होल्ड करने से रोकता है जो जो इलीगल जो है इसको होल्ड करने के लायक जो है नहीं है तो ये आ, कुछ केसेस हैं यहां पे जमालपुर आर्य समाज बसिस डॉक्टर डी रम रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिट इज हाईलाइटेड दिस रिट कैन बी इशू फॉलोइंग सिचुएशन सिचुएशन में रिट इशू की जाती है वैन डिस्प्यूटेड पोस्ट पब्लिक पहले तो वो पोस्ट जो है पब्लिक होनी चाहिए इट मीन्स प्राइवेट नौकरी अगर कोई कर रहा है और वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है वहाँ पर ये रेट इशू नहीं होती है इफ इट इज़ होल्ड बाय द पर्सन विदाउट लीगल अथॉरिटी और यहाँ पर वो उस पोस्ट को बिना किसी लीगल अथॉरिटी के होल्ड कर रहे हैं मतलब उसके पास उस पोस्ट को होल्ड करने की अथॉरिटी नहीं है कॉम्पिटेंसी नहीं है तब ये जो है रिट कोवर इंटू इशू की जाती है तो ये आपके पास रिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके जितने भी फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है ये रिट्टी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिट लगानी हो तो आर्टिकल थर्टी टू में होती है हाई कोर्ट में रिट लगानी हो तो वो टू टू सिक्स के अंडर होती है अ पावर्स ऑलमोस्ट सेम है थैंक यू सो मच हैव अ नाई स्टेट